बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ जी। तो ये तो आपने देख लिया होगा कि आज मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और आज क्या बनने जा रहा है जी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने मटन के जो है वो पाया लिया है, और ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब है। मैंने 4 पाए लिए थे बकरे के, और उसके छोटे पीसेस करवा लिए हैं, और अच्छी तरह से वॉश करके धो के यहाँ पे रखे हुए हैं जी। तो आज मैं आपको पाया, बकरे के पाए बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों को दूंगी, कि हमारे घर में बकरे के पाए कैसे बनते हैं और कैसे उनको जो है वो खाया जाता है। तो आज मैं ये रेसिपी आप लोगों को दूंगी। सर्दियाँ जो है वो काफ़ी तेज़ी से गुजर रही हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और ठंड में ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए। आप लोग भी इसको बनाइए मेरे तरीके से और इन्जॉय कीजिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेगा और ये कैसे बनेंगे जी। तो चलिए अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, और अल्लाह का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, और प्रेशर कुकर में हम ये पाया जो है वो पाए डालेंगे। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, 2 टेबलस्पून ये इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 2 जग पानी डालूंगी, जग आप देख सकते हैं ये जग है मेरे पास, और ये अब हम इसमें पानी का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, ज़रूर सर्दियों को एंजॉय करें पाए बनाकर, और ज़बरदस्त सा ये सालन बनता है पायों का जी। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 जग इसमें पानी के ऐड किए हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, ये आप देख सकते हैं 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। और अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, और 45 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और 45 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेशर कुकर को जो है वो ढक्कन बंद करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और जैसे ही अब हमारी सीटी वो प्रेशर देगी तो हम इसका जो स्टोव है, स्टोव का जो बर्नर है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे, स्लो से मीडियम जो है आंच पे हमने इसको कुक करना है 45 मिनट के लिए। और अब मैं आपसे 45 मिनट के बाद मिलती हूँ जी। तो अब 45 मिनट हो चुके हैं, और अब मैंने जो है वो स्टोव का बर्नर बंद कर दिया है, और अब हम जो है वो प्रेशर कुकर को खोल लेंगे, और खोल के आपको दिखाते हैं कि जो हमारे पाए हैं वो कितने ज़बरदस्त जो है वो गल चुके हैं अच्छी तरह से जी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीम हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं कि पाए हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, और यखनी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलें अब इनको जो है वो बनाने की तैयारी करते हैं, और पाए का सालन बनाते हैं, और कैसे ये सालन बनेगा और कैसे ये तैयार होते हैं चलें मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कटोरी तली हुई प्याज ली है, 1 कटोरी मैंने दही ले लिया है, और 1 मैंने टमाटर लिया है, और 5 से 6 मैंने सब्ज़ हरी मिर्चें ली हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करती हूँ, और आपको भी साथ दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ग्राइंडर लिया है, सबसे पहले हम ये प्याज इसमें डालेंगे। हरी मिर्चों और टमाटर की मैं कटिंग करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर के जो है वो मोटे मोटे पीसेस कर लिए हैं, और हरी मिर्चें भी मैंने कटिंग कर ली हैं। अब ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसमें ये 1 कटोरी दही ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और साथ ही हम ये एक गिलास पानी का ऐड करेंगे जी। तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें हमने जो है वो ग्राइंडर में डाल दी हैं। अब हम ढक्कन को बंद करते हैं और मैं इसको तमाम जो चीज़ों को ग्राइंड करती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ जी। तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो मसाला था वो तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हैं और ग्राइंड हो चुकी हैं तमाम चीज़ें। और अब हम मसाला तैयार करते हैं और जो है आपको भी दिखाते हैं साथ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जो है वो पतीला हांडी जिसको कहते हैं आप लोग पंजाबी में और हम भी, वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। और अब हम इसमें ये एक प्याली जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा जो है वो हांडी के अंदर जा चुका है। और अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम वो तमाम ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम मसाला जो है वो मैंने पतीले में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में क्या क्या डलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्पाइसेस में मैं जो चीज़ें डालूँगी उसमें 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने नेशनल जो है वो पाया मसाला लिया है। आप भी किसी भी कंपनी का पाया मसाला डाल सकते हैं और अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट थोड़ा सा इसमें पाए में अच्छा लगता है इसलिए मैंने साथ इसे भी ऐड किया है। तो चलें अब ये तमाम स्पाइसेस भी जो है वो डालते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो अब हम जो तमाम स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करते हैं और ये आप देख सकते हैं तमाम स्पाइसेस ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो तमाम स्पाइसेस अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। स्टीम की वजह से आपको शायद कम नज़र आ रहा हो, स्टीम बहुत ज़्यादा बन रही है। और अब हम इसको मसाले को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। और मैं आपसे 10 मिनट बाद फिर मिलती हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम पाए जो है वो यखनी से अलग कर लिए हैं। ये अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुके हैं और हमारा मसाला भी जो है वो देखते हैं रेडी हो चुका है। तो ये फिर उसमें ऐड कर जी। तो अब आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ दिया है और हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। मसाला हमारा अच्छे से हो चुका है, मसाले की बनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें तमाम पाए जो है वो जो हमने यहाँ से अलग किए हैं इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में। और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे और मैं आपसे 3 से 4 मिनट के बाद मिलती हूँ जी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो है वो हमारे पाए भी मसाले में अच्छी तरह से जो है वो भून चुके हैं, भुनाई अच्छे से हमने कर ली है। और अब हम इसमें यखनी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम यखनी जो है वो पायों की इसमें डाल दी है।
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जैसे इसको उबाल आएगा तो हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको 20 मिनट के लिए मज़ीद धीमी आंच पे पकाएंगे और उसके बाद फिर आपको इसकी लुक दिखाएंगे कि ये कैसे तैयार हुए हैं और कैसे ये दिखते हैं। जी तो अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब जो है हम देखते हैं ढक्कन उठा के कि हमारे पाए जो है वो कैसे तैयार हुए हैं। जी तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये पाए का सालन जो है वो रेडी हुआ है। शोरबा भी आप देख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारे पाए अच्छे से गल चुके हैं और अब हम इनको डिश आउट करते हैं और आपको भी इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो ये एक चमचमाता हुआ डोंगा है, एक चमचमाता हुआ डोंगा है जिसके अंदर हम ये सालन निकालेंगे और आपको भी दिखाते हैं। जी तो आप भी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे सालन की फाइनल लुक है। बहुत ज़बरदस्त ये पायों का सालन जो है वो तैयार हुआ है, पाए का, बकरे के पाए का, और आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़े का ये तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल जाए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलूंगी आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।